सो आई मैं सजेस्ट यू कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए जो ना उन लोगों से मिलना स्टार्ट करो, बातें करना स्टार्ट करो जो लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन को अडेप्ट करते हैं. ओके सर, तक तुम्हारी तरफ से क्या सजेशन होना चाहिए? ऑब्वियसली इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, और मर्चेंट नेवी में अगर आप सर्व करने जा रहे हो तो इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू नीड टू बी वेरी वेरी वेल इन दिस. ओके, इंग्लिश के लिए मैं आपको बताऊं, मैं बहुत खराब था इंग्लिश में पहले. ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने स्टार्ट करो फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, वीक में या फिर वीक में दो कम से कम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स लगा लो, उनको पढ़ो, उनको समझो. उसके अलावा आप इंग्लिश वीडियोस देखो. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देव सर ने बोली, एटमोसफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. उन लोगों से बात करो, ऐसे लोगों के बीच रहो जो इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश समझते हो, और उनको इंग्लिश में बात करने में तकलीफ ना होती हो. ठीक है, इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी आपको इंग्लिश में, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. दूसरी चीज, आपके इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ेगी, और यही दो चीजें इंग्लिश को बना देती हैं, बिगाड़ देती हैं. एग्जैक्टली, एकदम सही बोला. अग्नि, तुम्हारा कोई कमेंट है इसके ऊपर कि कम्युनिकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो फिर कैसे अभिषेक जैसे स्टूडेंट्स है तो कोई स्टूडेंट जो है ना अपनी कम्युनिकेशन को सुधार सकता है? ओके, सो हियर इज द थिंग. ऑल इन ऑल तो सर ने कवर कर ही कर ही दिया है. मर्चेंट नेवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डीएनएस में भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एक इंग्लिश के ऊपर अलग से, इंग्लिश एंड ह्यूमन फैक्टर्स करके अलग से एक सब्जेक्ट होता है हमारा, क्योंकि इस फील्ड में ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रू के साथ काम कर रहे हो, एक ही लैंग्वेज होगा एंड ऑब्वियसली वो इंग्लिश ही होगा. तो और इंटरव्यू भी हम हिंदी में या कोई और लैंग्वेज में तो दे नहीं सकते, तो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है. वापस वही सेम चीज बोलूंगा, शशि थरूर वाला इंग्लिश नहीं चाहिए, डिसेंट इंग्लिश चाहिए. इंटरव्यूअर को तुम अच्छे से समझा पाओ तुम्हारा नॉलेज कितना है, तुम अच्छे से कन्वे कर पाओ जो तुम एक्चुअली दिमाग में सोच रहे हो वो तुम्हें कन्वे करके देना है. एंड द बेस्ट थिंग वुड बी वीडियोज एंड ऑल, तो सब बोल ही दिया. ऑब्वियसली एक ग्रुप बनाओ, मॉक इंटरव्यूज दो. हम सबको ऑल इन ऑल पता है इंग्लिश आती है, समवेयर इन अस वी नो हाउ टू लाइक कम्युनिकेट इन इंग्लिश. द ओनली प्रॉब्लम इज कॉन्फिडेंस. अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं आता. जैसे मैं बैठता था देव सर को मॉक इंटरव्यूज देता था, मेरा पूरा ग्रुप था, हम लोग मतलब जानबूझ के इंग्लिश में बात करते थे. बात करते रहेंगे, गलतियां होगी, एक दो बार हंसी मजाक होगी, बट वैसे ही हम धीरे 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 अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वैसे ही हम लोग शर्माना बंद करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऐसे ही मेरे हिसाब से, तो ऐसे ही मैंने अपना इंग्लिश मैंने ऐसे ही सुधारा. सी गाइस, मैं तुम्हें बताऊं, मैंने उदय सर ने हम लोगों ने जो है ना मिलकर के दो तीन ट्रेनिंग्स हम लोगों ने बनाए थे. पहले ट्रेनिंग्स का हमारा बैच का जो है ना आदमी बैठा हुआ है सार्थक गुप्ता, दूसरे का बैठा हुआ है अग्निवा माइते हैं. बोथ आर स्पॉन्सर्ड फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेटेड कंपनीज. ओके, एंड राइट नाउ दे हैव कंप्लीटेड देयर डीएनएस, एंड राइट नाउ दे आर जस्ट गिविंग अ गाइडेंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और इन द मर्चेंट नेवी. जस्ट बिकॉज ऑफ वट इज द बेसिक रीजन, द बेसिक रीजन वॉज कि इन लोगों ने उस टाइम पे मेहनत करी, एंड इनकी मेहनत को देख करके हम लोगों ने इनको जो है ना पर्सनल गाइडेंस दी. सो दैट इज अ मेन थिंग. अब ट्रेनिंग जो है ना ये हमारा अलग से ग्रुप होता है, ऐसा नहीं कि इनको कुछ स्पेशल एडवांटेज मिल रहा है, नहीं, बट हाँ ये है कि ये कुछ एक अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ऊपर जो है ध्यान रखा जाता है. एक तरह से समझो ज्यादा चंड होते हैं लोग, है ना, तो सर, इनके ऊपर ये ज्यादा तो ध्यान आप रखना पड़ता है. सीक्रेट रिवील कर दिया आज बडिंग का. नहीं, ये जरूरी होता है भाई, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ना. सो सी, हमारा मेन टारगेट होता है कि हमारे बैच में जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं दे ऑल आर गेटिंग स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अ रेप्यूटेड कंपनी, बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा हूँ. बट टॉकिंग अबाउट द ट्रेनीज, ट्रेनीज के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ध्यान दिया जाता है, बिकॉज क्योंकि उनको चीजों में इंटरेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग जो है ना हर चीज में जो है ना टॉप अप आकर के काम करते हैं. Want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general, या फिर exams के लिए motivation चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your Merchant Navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your Marina journey with us today.